वे कौन है भाई तू? यहाँ चौकी में आके झाड़ू क्यों मार रहा है? यहाँ पे क्या कचरा दिख रहा है चौकी में हमारी? बाहर रोड पे इतना कचरा दिख रहा है, नहीं है तेरे को? वहाँ जाके लगा ना झाड़ू। बिल्लू, मैं नहीं हूँ झाड़ू वाला इसदा, हसीनाएं मुझे कहती हैं दिल वाला इसदा। भैया आप भाई महाराज मुबारक भाई, आपने पुलिस की जॉब छोड़ के झाड़ू वाले की नौकरी ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। वेल मॉम, नॉट ए टाल इज द, जयपुर में बन गया है नया माल इज द। तो माल में झाड़ू वाले की जॉब ज्वाइन कर ली क्या तेने? नहीं मम्मी जी, वो जो नई एसपी आई है ना जी, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया जी, पोचा लगवाया जी, जाला साफ करवाया जी, बर्तन साफ करवाया जी, कपड़े धुलवाए जी, और लगवाई झाड़ू इसदा। एक नंबर का गधा है मेरा साडू इसदा। तू कमशिन, आहा, के घर का मुंडू बन गया है तू, नौकर बन गया है तू। या मैडम, सिर्फ ये नहीं है, हमारी भी ड्यूटियां लगी हुई है। गुलगुले जी की ड्यूटी लगी है कि वो उनके घर से रोज कमसिन मैडम के लिए खाना बनवा के लाएंगे। हाय हाय। और मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं उनका वो शीशा पकड़ के उनके मुंह के सामने हमेशा खड़ा रहूंगा, और खुद ही बोलती है मैडम वो शीशे में से। और मैडम कल तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई बताओ ए, सर और मैडम दोनों किस रेस्टोरेंट में गए हुए हैं। अच्छा, तो महापुरुष तू है जिसने सर जी का हैप्पी बर्थडे का सुहा करवा दिया। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ सर? अबे और थप्पड़ खाएगा क्या बे? हंसते हंसते पूछ रहे क्या हुआ? वो कमसिन आहा बनना चाहती है हमारी रानी। हाय हाय। हमें बनाना चाहती है अपना राजा, और हमारे साथ बजाना चाहती है अपनी शादी का बैंड बाजा। नहीं मतलब आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज, कॉन्ग्रेट्स सर। मतलब देखिए, मैं तो यो सोच के एकदम गदगद हुई जा रही हूँ कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो कैसी लगेगी। आप दोनों मियां बीवी एक साथ शॉपिंग पे जाएंगे तो लगेंगे बिल्कुल नंबर 10। yeah. है जी, मतलब आप ऐसे लगेंगे जैसे लॉरेल एंड हार्डी हैं, आप ऐसे लगे जैसे गुल्ली और डंडा, जैसे जूस का ग्लास और अंडा। मैं तो सोच रही हूँ कि बेडिंग गिफ्ट क्या होना चाहिए। टेंट गिफ्ट कर दूं सर आपने? टेंट पहनने के लिए उनको छोटा पड़ेगा। मिस्टर चौटाला, हमारे यहाँ टेंशन का टोस्ट सिखा जा रहा है और आप उसी टोस्ट पर मजाक का मक्खन लगा रही है, है? आपको पता है वो कितना खाती है? रेस्टोरेंट का सारा खाना खत्म कर दिया उसने। देखिए सर, मजाक की बात तो दीगर है, लेकिन अब वो एसपी है सर। चौटाला सारी बात नहीं मान सकते उसकी, आप समझना रही है। इधर इधर हम आपको बताते, सारी रात हमें फोन करते रहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज हैव पेशेंस। और तू जरा कुछ इस चौकी की कुछ मारी इज्जत कर ले, मन्ने मॉम कहता है ना तू, है तो मैं तारी माँ बन के कह रही हूँ, जा जरा नहा ले, और जो गवर्नमेंट ने दी है ना सरकार ने वर्दी, उसे जरा सम्मान से पहन गया। नो मॉम, अभी मैंने करनी है जाके उनके कैबिन की सफाई इसदा, जब से ये आई है मचा रही है तबाही इसदा। चले मुंडू। क्या मिस, कोई नहीं मिस, सिंघाड़ा ले लो सिंघाड़ा। छुट्टन, तूने मेरी टोकरी से सिंगाड़ा चुराया है ना, देख पैसा तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि एक पिक्चर मैंने भी देखी है जिसमें अमिताभ बच्चन के हाथ में लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है, और जो तू चोरियां करता है ना, तू तो अपने माथे पे यहां लिखा ले कि मैं सिंगाड़ा चोर हूं। अब तू मेरे सिंगाड़े के पैसे दे दे, नहीं तो मैं तो पुलिस चौकी जाऊंगा। भाई साहब, यहाँ पुलिस चौकी का है।
हुआ था क्या? कुछ तो हुआ ही होगा। कुछ इधर इतनी मिट्टी है, इधर साफ करो। वाला यस वाला, इधर साफ करो। ओ गॉड, पुराने दिन आते ही यादें ताजा हो जाती है, यू नो। उधर मार, उधर झाड़ू मार। हाँ तो क्या कह रही थी मैं, जब मैं अमेरिका की पुलिस में थी ना। क्या बात कर रही है मैडम, आप अमेरिका की पुलिस में भी थी? या, उसकी पुलिस में भी थी। अरे अमेरिका छोड़ो, मैं तो चाइना की पुलिस की बहुत बड़ी ऑफिसर थी। शलान शाह। यस, और मैंने बहुत सारे मुजरिमों को ऐसे रखा और ऐसे ही मसला, और ऐसे ही मसला मसली में ओबामा बाजी की नजर मुझ पे पड़ गई। Well, who is the Obama पाजी is the, मेरी पड़ोसन कॉफी पे चलने को नहीं है राजी is the है। तुम अमेरिका के प्रधान मंत्रा को नहीं जानते? ओ गॉड, उन्होंने किसी से पूछा, ये खूबसूरत सुकड़ी सी पतली सी ऑफिसर कौन है? और किसी ने कहा कि ये है कमसिन। कर देगी सबको स्वाहा। तो बेचारे मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज हमारी अमेरिका की पुलिस ज्वाइन कर लो, और मैं लपे कमजोर दिल की मेरी आंखें भर आई और मैंने उनकी पुलिस ज्वाइन कर ली। और बस मैं कमसिन आहा कर दिए उनके सारे दुश्मन स्वाहा। आगे फिर इंडिया कैसे आना हुआ मैडम? इंडिया ऐसे आना हुआ कि भारत सरकार को मेरी प्रसिद्धि के बारे में सीधी सीधी खबर पहुंच गई, और बस उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ आकर मैं उनकी पुलिस ज्वाइन कर लूं। और मैंने दो बड़े देशों के बीच में होने वाला बहुत बड़ा युद्ध रोका है। युद्ध मैडम? युद्ध 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 कैसे मैडम? मेरी वजह से, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी टैलेंटेड, बहादुर और पता नहीं क्या क्या। अगर मैं एक के पास जाती तो एक के पास नहीं जाती, तो दोनों के बीच में युद्ध हो जाता ना। लेकिन बदतमीज, तुम्हें जो मैंने काम दिया था तुमने अभी तक नहीं किया। अपनी खूबसूरती को निहारे पूरे 15 मिनट हो गए थे। बता आईने, इस जहान में मुझसे कोई खूबसूरत है? कैसी लगती हूँ मैं, कैसी लगती है मेरी अदाएं, बोलना। एक नंबर की भद्दी बदसूरत शक्ल हो रखी है तेरी, बच्चे देख लेना डर जाए तुझे। लड़के वाले तेरे को देखने आ रहे हैं शादी करने के लिए, फिर उस लड़के की कहीं शादी नहीं हो रही है, वो पगला जा रहा है तेरे को देख के। बच्चा छुप जा रहा अपनी माँ के आंचल में, निकल नहीं रहा 25-30 दिन तक, हवा से डर रहा है वो, बोल रहा है मेरे को हवा से डर लग रही है, ऐसी तेरी शक्ल हो रही है। तेरे को लेके बनेगी हॉरर पिक्चर, मेन हीरोइन में लेंगे तुझे। बकवास बंद कर। ये क्या मेरे को बता दी? कुछ हुआ था क्या? फंसा गरीबों की ऐश्वर्या राय, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब जो होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। आज मैं तुझे इस दुनिया से ही डिसमिस कर दूंगी। माफी 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 मैडम, जरा इसे माफ कर दीजिए, इसे भूलने की बीमारी है, और ये भूल गया था कि ये खुद कौन है, और ये भी भूल गया था कि आप कौन है। आप इसे छोड़िए ना, देखिए मैं आपके लिए अपने घर से बनवा के खाना लेकर आया हूँ, मेरी बीवी ने अपने हाथों से ये खाना बनाया, आप इसे खाइए ना प्लीज। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन इसमें बराबर से
देसी घी तो डाला है ना, क्योंकि तुम लोग को पता है कि मैं डाइट पे हूँ। अच्छा है ना? ओहो। क्या बात कर रहा है यार तू? मतलब तू बिल्कुल भूला ही नहीं था। इस बार मैं नहीं भूला था, इस बार मैं भूला ही नहीं था गुलगुले जी। इस बार तो मैंने भूलने का नाटक किया था और अपनी सारी भड़ास निकाल दी कमसिन आहा के मुंह पे मैंने। दिस वन। लेकिन एक बात कहूं गुलगुले जी। हाँ बोलना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए आपने कमसिन आहा से माफी मांगी आपने, ताकि वो मुझे नौकरी से ना निकाल दे। I love you गुलगुले जी। बिल्लू यार नहीं। I love you too यार। बिल्लू बिल्लू तू मेरे भाई की तरह है यार। वाह भाई, हमारे भरजातिया के फिल्म के जो है तीन हीरो, तीनों शर्माते हुए एकदम स्वीट। क्या बात है, कितनी यूनिटी चल रही है। कहाँ है तुम्हारी, कैसी है मिस कमसिन? मैडम ये ले। थैंक यू। चलो खाके ताकत आई। हाँ मैडम, वो कमसिन आने ने तो हालत खराब कर रखी है मैडम। मैडम मेरी बीवी ने तो मना कर दिया कि उसके लिए कोई खाना बनाएगी नहीं। मतलब कितना खाना बनाए। वो तो भला है मेरी दो पड़ोसों का जिन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी। या मॉम, मुझे हो गया है आज एहसास इज़दा, कितनी अच्छी है मेरी सास इज़दा। ओह क्या बात है, क्यों भाई कैसे हो गया ये एहसास? ओह इसलिए जी कि अगर मेरी सास मुझसे अपने घर का सारा काम ना करवाती होती, क्या मैं कमसिन आहा के घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन कर पाता? बताइए मैं कर पाता? वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड गोपी जी, काम वाली बाई। चलो अच्छा, प्रगति हो रही है जी। मिस चौटाला, हम अभी हेडक्वार्टर से आ रहे हैं और एक खास खबर लेकर आए भैया। इस चौकी में गोपीनाथ गंडोत्रा नाम कोई ने हेयो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अबे रो मत बुढ़ाओ, किसकी हिम्मत थोड़ी है तुझे नौकरी से निकाल देगा। अबे तू तो एवरग्रीन है, है? वाला। मिस्टर चौड़ला, हम अभी कमिश्नर साहब से मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि अगले हफ्ते जो पुलिस का वेलफेयर फंक्शन होने वाला है उसके लिए इस चौकी से एक आइटम की जरूरत है। चुप बैठ, हाथ नीचे करो। तो नाच गाने की जरूरत है, तो हमने क्या सोचा कि हमसे अच्छा कौन नाच गाएगा? ओहो सर, उसके लिए तो फिर मतलब एक ही हफ्ता रह गया है, फिर खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसकी चिंता तुम मत करो चंद्रमुखी, पुलिस वेलफेयर फंक्शन में अपने हुलुलुलू के साथ मैं परफॉर्म करूंगी। कमसिन आहा जी, आप काय कष्ट कर रही है, आप कष्ट ना करिए, बस रिहर्सल के लिए रेडी हो जाओ। आहा बिल्लू, वो अपना तिवारी डेकोरेटर से कहना कि जो फ्लाईओवर बनाने के लिए सीमेंट यूज करता है ना वो, उसका बनवाए स्टेज। सलिए लगवा के मैडम। क्या मतलब तुम्हारा? नहीं मैडम, ऐसा है ना कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि बिल्कुल आप जैसी एकदम मतलब बारीक दुबली पतली फेदर फिगर, एकदम पतली स्लिम, वो नाच गई थी जीरो साइज की है, तो उसके नाचने से स्टेज टूट गया, बताओ। तो इसीलिए इस बार सिंस आप नाच रही हैं तो प्रिकॉशनरी लेवल पे चल रहे हैं। वेट
एंड वॉच। मिस चौटाला, स्टेज का तो सल्यूशन निकल गया, हमारा क्या होगा? भाई बिल्लू, मैं क्या कह रही हूँ, एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया जाए। मैडम, वो छोटी वाली वैन आती है वो मंगा लूँ, या फिर वो कोई ट्रक टाइप की आती है एक मिनी, वो मंगाऊँ? भाई कुछ बड़ा मंगाओ। शट अप चंद्रमुखी, ये एम्बुलेंस क्यों? मैडम देखिए, ऐसा है कि इतनी खतरनाक जो है परफॉर्मेंस थी, तो कहीं किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। yes! इसलिए सावधानी हट ना जाए और दुर्घटना घट ना जाए, इसलिए एम्बुलेंस। हेलो, भद्दी फिगर वाली लड़की, चल हट। डांस की ए बी सी भी तुम्हें आती है? शायद तुमने उसका नाम सुना होगा, माइकल जैक्सन। उसको ये वाला स्टेप किसने सिखाया? आहा, मैंने। गोविंदा, प्रभु देवा, इनको तो मैं फोन पे ही डांस सिखा देती हूँ। और अब आपने हैंसम जवान हसीन हुलुलुलु को ऐसा डांस सिखाऊंगी अगले 6 दिनों में कि सब के सब फेल हो जाएंगे। फेल। हमें बूढ़ा चिपका दिया है हमारे कान में। सौवे सौवे चुप सौवे। ओके, ऐसे कोई करता है क्या बे? इतना कोई नचाता है क्या? मैं छोड़ा ला, उस कम से नहा ने हमारे हड्डियों के साथ कबड्डी खेल दिया यार। ये बोल रही थी और नाचो, देखा ना कितना नचाया हमको। हमसे बोल रही थी हार्नेस पे लटकना, हम भाग कर आ गए अभी फटाफट वहां से। ये तो सिर्फ शुरुआत है सर, अभी आपकी 6 दिन की प्रैक्टिस बाकी है। नहीं, बता रहा हूँ। या सर, आप डांस करते रहिए, मैं ऐसे ही देता रहूंगा सेक इज द, बीबी के सामने देता हूँ मैं घुटने टेक इज द। चालू रख भाई, चालू रख। वैसे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है मैडम। वो कम से हमारी ऐसी की तैसी कर रही है और आप एकदम चुपचाप शांत खड़ी है। मैडम मतलब आप जैसी जुर्राट से, मेरा मतलब आप जैसी खुर्राट से, मेरा मतलब आप जैसी। क्या करूं मैं? एसपी है वो, एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका आर्डर मानना है, मन्ने फॉलो करना है उसका आर्डर। मैडम अगर इस तरह से उनका ऑर्डर हम फॉलो करते रहेंगे ना, तो एक दिन जो कमसिन मैडम के साइज के भैंसे पे बैठ के यमराज जी आते हैं ना, उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। मैडम 2 दिन में 2 किलो देसी घी घपक गई है वो। मैडम मैं एक मामूली हवलदार हूँ, कोई कमिश्नर का साला नहीं हूँ कि 30 दिन में 30 किलो देसी घी खरीद लूँ। या मॉम, मेरी जवान हड्डियों में अभी इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं ऐसे ही मतलब गधे की तरह, या दिस वन मतलब गधे की तरह उसके घर का सारा काम करूं और फिर बाद में जाके अपने घर का भी काम करूं। कुछ तो करना पड़ेगा मिस चौटाला, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, और ना वो कमसिन आहा सचमुच में हमारा कर देगी स्वाहा। ऐसे कैसे कर देगी, अभी मैं जिंदा हूं और मारे जिंदा रहते मारी टीम का कोई बाल भी बांका ना कर सके। अगर उस हॉट एयर बैलून की मैंने हवा ना निकाल दी, तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं,